कोरोना के कारण जब लोग घरों से काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, कहीं आने जाने का कोई खास काम नहीं है, तो फुटवेयर इंडस्ट्री चप्पल की डिमांड में तेजी देख रही है। ये प्री कोविड लेवल के 80% तक पहुंच चुकी है। वहीं स्पोर्ट्स और फॉर्मल शूज की बिक्री में अभी काफी कमी आ गई है। दरअसल कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है, जिसके कारण उनकी जरूरतें भी बदल गई हैं। स्कूल, ऑफिस, मार्केट सब बंद है, जिसके कारण फुटवेयर इंडस्ट्री सेल्स पैटर्न में काफी बदलाव देख रही है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि कोरोना काल में चप्पल की बिक्री ज्यादा हो रही है, जबकि ऑफिस फॉर्मल शूज और स्पोर्ट्स शूज की बिक्री में अभी काफी कमी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि लोग अभी घर से ही काम कर रहे हैं और घर से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण सैंडल और चप्पल की बिक्री 80% प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुकी है। लोग अपने हेल्थ को लेकर भी सतर्क हुए हैं, इसके कारण बहुत सारे लोग पहली बार फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बावजूद इसके स्पोर्ट्स शूज की बिक्री में अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है। रिलैक्सो फुटवेयर के मुताबिक स्पोर्ट्स शूज की बिक्री अभी प्री कोविड लेवल के 25% तक पहुंच पाई है। कंपनी के मुताबिक रूरल इंडिया में कोरोना का असर कम है, जिसके कारण सैंडल और चप्पल की बिक्री पर कम असर हुआ है। वहीं बाटा इंडिया के मुताबिक महामारी के कारण लोगों की जरूरतों में बदलाव आया है, जिसके कारण भी सेल्स पैटर्न में ये बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के मुताबिक 80% चप्पल तो बिक रही हैं, वे भी 500 रुपये से कम कीमत वाली। हालांकि ऑनलाइन मार्केट में 5,000 रुपये तक की चप्पल भी बिक रही हैं। मतलब साफ है कि रूरल इंडिया में ही ज़्यादा चप्पलों की बिक्री हो रही है, बजाय ऑफिस पहन के जाने वाले फॉर्मल शूज़ के। और क्योंकि लोग फिलहाल ऑफिस के बजाय घर से ही काम कर रहे हैं, इसलिए शहरों में भी चप्पलों को ही ज़्यादा खरीदा जा रहा है।